पहले दिन से ही विवादों में रहा है। जिस तरीके से शीशे में देखकर आनंद पाल को गोली मारी गई, उससे शक और ज्यादा गहरा हो गया था। कई दिनों तक आनंद पाल के शव को रखकर प्रदर्शन किया गया था, तब जाकर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। लेकिन सीबीआई ने भी इसको एनकाउंटर माना था और रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी थी। कोर्ट ने इसको सबूतों के आधार पर एनकाउंटर नहीं, हत्या माना है। दरअसल एनकाउंटर को आनंद पाल की पत्नी राज कंवर ने चैलेंज किया। एसीजेएम कोर्ट में 2020 में प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की। सुनवाई के दौरान कोर्ट में 4 साल में राज कंवर की ओर से कई गवाह पेश किए गए। कोर्ट में 4 साल सुनवाई के दौरान दो डॉक्टर राज कंवर और आनंद पाल के भाई मंजीत की गवाही हुई। उस आधार पर प्रसंज्ञान लिया गया और फैसला सुनाया गया। राज कंवर के वकील भंवर सिंह और त्रिभुवन सिंह राठौर ने बताया कि ये एनकाउंटर नहीं था और छत पर आनंद पाल को नजदीक से एक के बाद एक गोली मारी गई। गोली बहुत नजदीक से मारी गई थी, इसकी पुष्टि डॉक्टर ने भी की है। कोर्ट में कई गवाहों को पेश किया गया, उनके आधार पर एसीजेएम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज कंवर की ओर से गवाहों की सूची भी 16 अक्टूबर से पहले पेश करने के आदेश दिए हैं।